नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यूनियन बैंक में अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप लोग किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक एक फोटो कापी आप लोग इस फॉर्म के साथ लगा देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसी भी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो सबसे मस्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है। तो वही आजकल बैंक में लग भी रहा है, तो इसको आप लोग इस पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक फोटो कापी आप लोग इस फॉर्म के साथ लगा देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करते हैं, आपको बताते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट इत्यादि ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आज आप लोगों को सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे आप टिक कर देंगे और ये सब आपको फिलअप नहीं करना है, ये बैंक के एम्प्लॉय फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना एप्लीकेंट नेम यानी कि अपना नाम फिलअप करना है कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने यहाँ पे फिलअप किया इनबॉक्सेस में उसी तरीके से आप लोग फिलअप कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप अपने नेम के आगे कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो यहाँ पे मिस्टर मिसेज फिलअप कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग अपना कैपिटल लेटर में फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे, इसके साथ ही मिडिल नेम फिलअप करेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे कस्टमर आईडी और डेबिट कार्ड नंबर ये आपको फिलअप नहीं करना है, बैंक एम्प्लॉय फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ज्वाइंट एप्लीकेंट के लिए सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप लोग ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप लोग जितने भी एप्लीकेंट के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उन सभी का यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम जैसे मैंने फिलअप किया उसी तरीके से यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को और कुछ भी फिलअप नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे सीधे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये माइनर के लिए। अगर आप मतलब कि जो भी एप्लीकेंट अपना अकाउंट ओपन कर रहा है वो 18 साल से नीचे का है तो ये सब फिलअप किया जाएगा, बट अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो इसको आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग को अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरी तरीके से यहाँ पे सही सही फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इसके साथ ही फ़ोन नंबर, स्टेट, मोबाइल नंबर, कंट्री, सिटी और यहाँ पे ईमेल आईडी आप लोग इन बॉक्सेस में इस तरीके से जैसे मैंने फिलअप किया उस तरीके से आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पेमेंट डिटेल ऑफ ओपनिंग अकाउंट। तो किसी भी बैंक में आप अगर आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो इनिशियल अमाउंट आपको कुछ पे करना होता है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आप बैंक एम्प्लॉय से पूछ लेंगे कि कितना मिनिमम बैलेंस होता है किसी भी उस बैंक में, उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो एम्प्लॉय बताने के बाद आप लोग यहाँ पे फिलअप कर देना है उस अमाउंट को। यहाँ पे आप लोग पूछ रहा है कि वो अमाउंट आप लोग कैश में जमा करना चाह रहे हैं या फिर चेक के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग कैश के थ्रू जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को कैश पे टिक कर देना है, और अगर आप लोग चेक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक पे टिक करके यहाँ पे चेक नंबर और यहाँ पे बैंक और यहाँ पे ब्रांच नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड पेज पे आप लोग को मैं बता दूँ किसी भी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो बैंक आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो सारी फैसिलिटीज आजकल बहुत ज़्यादा यूज होती है तो आप लोग इन फैसिलिटीज को जरूर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि अकाउंट कैटेगरी। तो यहाँ पर आप लोग अगर गोल्ड अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर प्लेटिनम कर रहे हैं या फिर प्रिविलेज कर रहे हैं या फिर रेगुलर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप लोग रेगुलर पर टिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप लोग गोल्ड या फिर प्लेटिनम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे गोल्ड या फिर प्लेटिनम पे टिक कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को रेगुलर पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे चेकबुक फैसिलिटी के लिए आप लोग यस पे कर देंगे। और यहाँ पे चेकबुक फैसिलिटी के लिए पूछ रहा है कि आप लोग ब्रांच से कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोग को अपने करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर चेक भेज दिया जाए। तो सबसे बेटर यही रहता है कि आप लोग के एड्रेस पे भेज दिया जाए। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी सूटेबल लगे यहाँ पे आप टिक कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे ई स्टेटमेंट के लिए आप टिक कर देंगे, डेबिट कार्ड के लिए टिक कर देंगे, इसके साथ ही नॉमिनी के लिए आप यहाँ पे टिक कर देंगे, SMS अलर्ट के लिए आप लोग यहाँ पे टिक कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग का वार्षिक टर्नओवर पूछ रहा है, तो आप लोग के जितने भी वार्षिक टर्नओवर है यहाँ पे आप टिक कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो इसको एक बार आप लोग भली भांति पढ़ लेंगे। इसके साथ यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे ब्रांच नेम फिलअप करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि आप अपना अकाउंट कैसे ऑपरेट करेंगे। तो अगर आप लोग का सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पे एक सिंगल पे क्लिक कर टिक कर देना है, और अगर आप लोग का ज्वाइंट अकाउंट है तो इनमें से आप कोई भी आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे लगाया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे डेट फिलअप करेंगे और यहाँ पे प्लेस फिलअप करेंगे। इसके बाद और कुछ भी यहाँ पे फिलअप नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों इस पेज पर नॉमिनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग
अपना नाम फिलअप करेंगे और यहाँ पे ब्रांच नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को नॉमिनी की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। दोस्तों नॉमिनी क्या होता है और नॉमिनी का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक बैंक अकाउंट में, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को नॉमिनी का टाइप ऑफ अकाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का जो नॉमिनी का जो भी अकाउंट हो सेविंग करंट यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद नॉमिनी का यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लोग फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, इस तरीके से आप लोग कैपिटल लेटर में फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी से आपका रिलेशन पूछ रहा है, तो नॉमिनी से आपका जो भी रिलेशन हो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद नॉमिनी की एज पूछी गई, यहाँ पे नॉमिनी की एज आप फिलअप कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का पूरा पता जिस तरीके से मैंने फिलअप किया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे ईमेल आईडी सहित यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और अगर नॉमिनी अवयस्क यानी कि माइनर है, मतलब कि 18 साल से कम का है, तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ भी फिलअप की जाएगी। और इसके बाद आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों इस पेज पर सबसे पहले आप लोग को अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ और यहाँ पर लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है अप्लीकेशन टाइप, तो यहाँ पे आप लोग को न्यू पे टिक कर देना है, क्योंकि आप लोग न्यू अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को न्यू पे टिक कर देना है। और यहाँ पे केवाईसी नंबर में आपको भी कुछ भी फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे अकाउंट टाइप पे आप लोग को नॉर्मल पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेंट डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपना डिटेल्स फिलअप करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग टाइटल लगाते हैं अपने नेम के आगे, तो यहाँ पे मिस्टर मिसेज कुछ भी फिलअप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे कैपिटल लेटर में इस तरीके से जैसे मैंने फिलअप किया है उसी तरीके से आप लोग इन बॉक्सेस में फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मेडन नेम पूछा है, मतलब कि जिसका कभी कभी कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनका विवाह के पहले कुछ अदर नेम होता है और विवाह के बाद कुछ अदर नेम हो जाता है, तो अगर विवाह के पहले उनका कोई अदर नेम है तो यहाँ पे उनको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देना, बट ये मैंडेटरी नहीं, तो इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पति या फिर पत्नी का नेम फिलअप करना है, यहाँ पे फादर का नेम आप लोग फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मदर का नेम इस तरीके से कैपिटल लेटर में जैसे मैंने यहाँ पे फिलअप किया उसी तरीके से आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन कैपिटल लेटर में इन बॉक्सेस में फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछा गया, तो आप लोग का जो भी जेंडर हो मेल फीमेल यहाँ पे आप लोग टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे, यहाँ पे प्लेस फिलअप करेंगे और यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ पे इंडिया आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड पे टिक करेंगे, अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड पे टिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, और एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक करेंगे। और अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, और नहीं तो यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म 60 के रिलेटेड पूछ रहा है, तो फॉर्म 60 आजकल किसी भी बैंक में फिलअप नहीं करवाया जाता, इसको आप लोग खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप लोग को अपनी पैन कार्ड नंबर फिलअप कर देना है, और यहाँ पे आप लोग को इन बॉक्सेस में अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर सर्विस में हैं, स्टूडेंट हैं, अगर खेती करते हैं या फिर इसके अदर कोई काम करते हैं, तो इनमें से आप चूज कर लेंगे कि आप कौन सा काम करते हैं। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछे गए, तो आप जहाँ तक भी पढ़े हों यहाँ पे इन बॉक्सेस में फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे नेशनलिटी पूछी गई, नेशनलिटी में आप लोग इंडियन फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे रिलीजन में आप लोग हिंदू फिलअप, रिलीजन में आप लोग जो भी हो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कास्ट में आप लोग के जो भी कास्ट हो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एक बार फिर से फिलअप किया करना है, तो जैसे मैंने आपको अभी पिछले पेज पे बताया उसी तरीके से आप लोग अपना कैपिटल लेटर में इस तरीके से फिलअप कर देंगे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। और इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, और अगर आप लोग का करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग को बस टिक कर देना है। बट अगर आप लोग का दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे जैसे मैंने करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप किया उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को परमानेंट एड्रेस भी पूरा यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग की इनकम पूछी गई है, तो वार्षिक परिवार आय यहाँ पे पूछा गया, एनुअल फैमिली इनकम, तो आप लोग की जितनी भी फैमिली इनकम होगी वार्षिक यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग फिलअप करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों इस पेज पे आप लोग को अपना केवाईसी डिटेल्स फिलअप करने हैं, तो आप लोग को मैं बता दूँ कि अगर आप लोग किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, इसके साथ ही रेजिडेंस प्रूफ के लिए एक एक आपको आईडी प्रूफ देना होता है। तो आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना पैन कार्ड नंबर दे देंगे,
और यहाँ पे आप लोग को पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आप लोग को रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को और भी कुछ भी फिलअप नहीं करना है, जैसा कि देख रहे हो कि आप लोग को यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करना है। और यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे आप लोग को डेट फिलअप करना है और यहाँ पे प्लेस फिलअप करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद दोस्तों इस पेज पर भी आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है और यहाँ पे आप कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद दोस्तों इस पेज पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे नागरिक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार भली भांति पढ़ लेंगे फॉर्म फिलअप करने से पहले। और यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि आई वुड लाइक टू टेक द अबव प्लेज वॉलंटरी, तो यहाँ पे आप लोग को यस पे टिक कर देना है। और यहाँ पे ग्राहक आईडी आपको फिलअप नहीं करना है, मात्र आप लोग को एक सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद दोस्तों इस पेज पर फॉर्म 60 से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप फॉर्म 60 फिलअप नहीं कराया था, आपको पैन कार्ड, जिसके पास पैन कार्ड नहीं रहता था उसको फॉर्म 60 फिलअप कराया था, बट अब बैंक में पैन कार्ड मस्ट हो गया है, तो इसीलिए आप लोग जब भी अपना अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आप लोग अपना पैन कार्ड जरूर लेके जाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद दोस्तों इस पेज पे भी आपको ज़्यादा कुछ फिलअप नहीं करना है, मात्र यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आप लोग को अपना नेम लिखना है और यहाँ पे डेट फिलअप करना है और यहाँ पे प्लेस फिलअप करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद दोस्तों इस पेज पर आप लोग को सबसे पहले अकाउंट टाइप में यहाँ पे नॉर्मल पे टिक कर देना है और यहाँ पे मेडन नेम अगर आपका कोई हो तो मेडन नेम आप लोग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरीके से फिलअप कर देंगे। यहाँ पे पति या फिर पत्नी का नेम फिलअप करेंगे और यहाँ पे मदर नेम फिलअप करेंगे। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में आप लोगों को रेजिडेंट इंडियन पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी आप फिलअप नहीं करना है, तो इस तरीके से आप लोग पूरा फॉर्म सही सही फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग पूरा फॉर्म सही सही फिलअप कर लेंगे और इस फॉर्म के साथ आप लोग अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो कॉपी इस फॉर्म के साथ लगाकर बैंक में जमा कर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वालों, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स से जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।